राम मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए, ये कहना है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस के मुद्दीन का। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज से आह्वान किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे धन संग्रह में उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे आना चाहिए। देश में गंगा जमुनी तहजीब सदियों से कायम है और यह भाईचारे का ही उदाहरण है कि जब राम मंदिर के पक्ष में अदालत का फैसला आया तो मुस्लिम समाज ने उसे स्वीकार किया। आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा पूरे देश में खासतौर से मुसलमानों को यह आह्वान किया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो धन संग्रह का जो महाअभियान चल रहा है इसमें वो भावनात्मक आर्थिक सहयोग दें। निश्चित तौर से यह जो भव्य मंदिर निर्माण का काम हो रहा है यह हमारे लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे जो पहले के पूर्वज हैं और जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जो सौभाग्य हम आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए। जहाँ तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सवाल है वो आपसी सद्भाव और भाईचारे की बात करता है और निश्चित तौर से जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश में देखने के लिए आप मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में मने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, उसके बाद पूरे देश के अंदर अमन चैन रहा, फिर उसके बाद शिलान्यास हुआ पूरे देश के अंदर अमन चैन कायम रहा, कहीं 144 धारा भी नहीं लगी। ये इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान के जो हमारे करोड़ों मुसलमान हैं उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी मौन स्वीकृति दी। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, आपसी सद्भाव और भाईचारे का देश है। जहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं ये कोई अरब से नहीं आए, या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी क्रिश्चियन हैं वो रोम से नहीं आए, हम सब इसी परिवार के लोग हैं, हम सब का मालिक एक है, हम सब एक ही खून खानदान के लोग हैं। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक समरसता का संदेश दे रहा है। कुछ दकियानूसी लोग हैं, हो सकता है उनमें उनको इस बात की किसी चीज़ की कुछ त्रुटि नज़र आए, पर देश का जो मुस्लिम समाज है, प्रगतिशील समाज है, शिक्षित समाज है, वो बढ़ चढ़ कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण में भावनात्मक आर्थिक सहयोग देगा। 10 रुपये से लेकर आगे जितना भी उनको देना है। तो हम और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश के 100 करोड़ जनता को, खासतौर से हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहता है कि मुस्लिम समाज समरसता चाहता है, आपसी सद्भाव भाईचारा चाहता है और इस प्रकार के वातावरण से पूरे देश के अंदर एक समरसता का, आपसी सद्भाव भाईचारे का वातावरण बनेगा। कब से ये कार्यक्रम चालू? पूरा 15 तारीख से चालू हो चुका है। अभी हरियाणा भवन दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने बैठक ली थी। इसमें JNU के, जामिया मिलिया के, अनेकों विश्वविद्यालय के बहुत से डॉक्टर प्रोफेसर और आपके छात्र सब इकट्ठे हुए थे। 1 घंटे के अंदर स्वेच्छा से 10 लाख और कुछ हजार रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी। तो मुस्लिम समाज आगे आकर अपने हिंदू समाज को ये संदेश दे रहा है कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है और समरसते की बात कर रहा है। इसी के लिए आज आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर पढ़ा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, दौरे जहाँ उनको इमाम हिंद समझता है। तो लंबे समय से हम आपसी सद्भाव भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और आप सबके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि मुस्लिम समाज के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए ताकि राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ के हमारे हिंदू भाई जो एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए लगे हुए हैं उसमें भी वो सक्रिय भागीदारी बने। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।